बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब ऑर्डिनेंस 1999 क्या कहता है जी, नैब की परफॉर्मेंस अभी तक क्या है, और उसके अलावा जो रेफरेंसेस तैयार हुए हैं उसमें क्या नैब ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो कि मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन नहीं की, सिर्फ नैब जीआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर रिलाय कर रहा है, उस पर काउंट कर रहा है। तो ये जो रेफरेंसेस हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हैं, इनके अंदर कितना मीट है, मैं जानना चाहूँगा उन लोगों से जो मुझे कानूनी राय दे सकेंगे। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, और बैरिस्टर फरोग नसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए जी। फवाद चौधरी साहब, थोड़ा सा लीगल साइड पे आएंगे, फिर बैरिस्टर साहब की तरफ चलेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन है जो जेआईटी ने की हुई है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, जो रेफरेंसेस मियां साहब के ख़िलाफ़ फ़ाइल हुए नैब में, और नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी तक की नहीं है, सो उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं वो रेफरेंसेस, और उसके अंदर कितना मीट है जी? देखिए, जो रेफरेंसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक प्रोसीजरल इख्तियार है एजेंसी का। अब आपने देखा है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद एफआईए की इन्वेस्टिगेशन है, फिर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की इन्वेस्टिगेशन है। ये जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है, इसकी कानूनी हैसियत ये है कि ये पुलिस डायरीज कहलाती हैं और ये अदालत में जमा होती हैं, और इनकी हैसियत पुलिस डायरी की होती है। और ये जो जेआईटी है, इसकी भी पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा है जो कि इस वक्त अदालत में जमा हुई है, जिसको हम अमूमी जुबान में चलान कहते हैं। यानी जो चलान पेश होता है, जिस बुनियाद से पेश होता है, वो पुलिस डायरीज, ये इन्वेस्टिगेशन उसकी बुनियादी तौर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पे पेश हुई है। और इसकी कानूनी हैसियत ये है कि इसकी बुनियाद के ऊपर अब फर्द जुर्म आयद होनी है, जो तमाम मुकदमात में, इस पर्टिकुलर केस में नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के ऊपर जो फर्द जुर्म है वो इसकी बुनियाद के ऊपर आयद होनी है, और ये केस की बुनियाद के ऊपर आगे चलना है। इसमें जो सवाल हैं उनके जवाब उन्होंने देने हैं, इसमें जो दस्तावेज हैं उनके जवाब उन्होंने देने हैं। अच्छा, सवाल ये है जी कि जो नैब ने तो इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, रेफरेंसेस जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फाइल हुए हैं, नैब ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन पे ही आगे रेफरेंसेस चलाए जा रहे हैं। सो जो जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, नंबर वन, और नंबर टू, यही इसी तरह से वही रेफरेंसेस, वही तैयार करके रेफरेंसेस आगे भेजे जा रहे हैं नैब की तरफ से, तो यहाँ पे क्या रेफरेंसेस के अंदर कोई मीट होगा, या जेआईटी की इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ स्टैंड करती है, ये दो चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, हमें सर शुक्र है नैब ने जो जेआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन थी तो उसको चेंज नहीं किया। उन्होंने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन वो चेंज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन थी वो फैक्ट फिगर और डेटा पर बेस्ड थी। अच्छा, अब जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन, वो रिपोर्ट्स हम सब ने, आप सब ने देखी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी, वहां से बाय वॉल्यूम 10 है, वो किसी के पास नहीं है, सिवाय जेआईटी के मेम्बरान हैं या सुप्रीम कोर्ट के लर्नड जजेस हैं। तो इसके अंदर जेआईटी में एक बड़ा समझिए कि मुफस्सिल तौर पे और कंक्लूसिवली इन्वेस्टिगेशन की गई हैं, लेकिन नैब अगर वाकई उसको मजीद इन्वेस्टिगेट करती और वहीं से लेके चलती जहां से जेआईटी ने छोड़ा था, तो नेचुरली उसमें वैल्यू एडिशन जरूर होता। लेकिन चलिए, वैल्यू एडिशन नहीं है तो वैल्यू रिडक्शन नहीं है, मैं उसको इस तरह देखता हूं। लेकिन नैब की जो हालात है, नैब की जो इस वक्त प्रेजेंट फॉर्मेशन है, तो नैब की कोशिशें यही हैं कि किसी भी तरह इस चीज को डिफ्यूज किया जाए, कंफ्यूजन लाया जाए। मां सिवाय जैसे पंजाब के, लाहौर के जो नैब के लोग हैं, या इवन जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं, वो तो अच्छे लोग हैं सारे, लेकिन ऊपर की तरफ प्रॉब्लम सारी ये है कि कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह चीज को डिफ्यूज किया जाए। उससे इसी तरह आप देख लें कि जरा सा किसी कुछ कोई कॉल अप नोटिस आता है नैब की तरफ से, तो उसको भाग के हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है,
और ये इतना बड़ा केस हो गया, इसमें इतनी एविडेंसेस आ गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जीआईटी की एक बड़ी मुफस्सिल रिपोर्ट आ गई और नैब ने बदर नहीं किया कि किसी तरह भी अरेस्ट किया जाए, तो इससे नैब की जो समझे बायस है वो बिल्कुल अपेरेंट है। और अगर ये नैब के ऊपर तले हालात यही रहे तो वो फिर कोशिश करेंगे इसको किसी तरह कंफ्यूज करके साइड ट्रैक करने की। और अब देखना यही है कि ये जब नए चेयरमैन साहब आते हैं वो कौन आते हैं, सारा कुछ उन पे डिपेंड करेगा। फवाद साहब, कैन यू हियर मी? फवाद, आई कैन हियर यू। अच्छा फवाद साहब, ये जो एक फरोख साहब जो इंडिकेट कर रहे हैं कि विद द प्रेजेंट सेटअप ऑफ नैब इट इज नॉट पॉसिबल के कोई अच्छे तरीके से रेफरेंसेस के अंदर मीट पैदा किया जा सके, क्योंकि एक तो उसमें नैब अगर उसके अंदर खुद भी इन्वेस्टिगेशन करती तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती उन रेफरेंसेस की जो मियाँ साहब के खिलाफ तैयार हुए हैं, और अगर नैब ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो जो हायरार्की की बात करें, जो पीपल सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स इन नैब, वो इस तरह कोई फेवर्स एक्सटेंड कर रहे हैं कि रेफरेंसेस का बेड़ा गरक हो जाए। डू यू एग्री विद दिस वन? और अगर ऐसा है तो फिर आप लोग कहाँ पे स्टैंड करेंगे, पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी, और रेफरेंसेस के अंदर से निकलेंगे कल कुछ नहीं तो फिर क्या होगा? अच्छा, पार्शली तो मैं एग्री करता हूँ नसीम भाई की बात से, लेकिन थोड़ा सारा यहाँ पर एक जो मामला है वो थोड़ा इस तरह से मुख्तलिफ है कि नैब के ऊपर एतबार किसी को भी नहीं था शुरू से, और अगर देखें ना कानून की अमूमी सूरत हाल होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट को जरूरत ही ना पड़ती ऐसा फैसला देने की जो सुप्रीम कोर्ट ने अब दिया है। अब जो मामला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को बाईपास कर दिया है और नैब को उसको भेज दिया है मुकदमा ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार हुई है। अब ये जो नैब की जो अमल दखल की सलाहियत है वो काफी महदूद है, इसमें ये जरूर है कि लॉयर जो अपॉइंट उन्होंने किए हैं, मैं मुझे नहीं पता वो किस कैलिबर के वकील हैं और किस तरह के वकील हैं फ्रेंकली, और वो कुछ कर सके, लेकिन जो मटीरियल तौर के सामने मौजूद है इस वक्त तो वो बड़ा कंप्रीहेंसिव है। अगर आपने 9 वॉल्यूम जो जीआईटी के अगर आप पढ़े तो आपको मालूम होता है कि बहुत ही कंप्रीहेंसिव किस्म की इन्वेस्टिगेशन उसमें मौजूद है, बहुत ही कंप्रीहेंसिव मटीरियल जो है। अब इसमें जो नैब की सलाहियत है इनको मुतासर करने की वो सिर्फ बुकला की हद तक रह गई है कि वो अपने वकील लगा के वहां पे मदद कर सके, लेकिन इसको भी तब्दील हो जाएगा क्योंकि चेयरमैन नैब जो है वो रिटायर हो रहे हैं अगले हफ्ते, लिहाजा जो नैब का जो इदारा है उसमें भी तब्दीलियां आएंगी और हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज हैं उनके होते हुए प्रोसिक्यूशन शायद इतना मनूवर ना कर सके, और यही वजह है कि जो तमाम सर नैरेटिव है नवाज शरीफ साहब का वो ये है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये निगरानी अपनी खत्म करे, निगरानी से उसको हटाया जाए, इसके अलावा और कोई नैरेटिव उनका है नहीं। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट फरोख साहब के जो सुपरविजन हो रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उससे सिचुएशन वोंट गेट वर्स, और नैब के अंदर जो रेफरेंसेस हैं मियाँ साहब के उसके अंदर मीट मौजूद रहेगा और टफ टाइम मियाँ साहब को मिलता रहेगा? डू यू एग्री विद फवाद चौधरी साहब? मैं देखें इस बात से तो एग्री करता हूँ कि मॉनिटरिंग जज साहब जी ने वो बहुत सी चीजें जो ये कोशिश करेंगे डिफ्यूज करने की उसको तो वो चेक कर सकेंगे, लेकिन जरा मैं आपके सामने एक दो बातें राणा साहब रखता हूँ। बात ये है कि जो चीजें सामने सामने हैं ऑन द फेस है अपेरेंट है तो उसके लिए तो ये बिल्कुल फवाद चौधरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पॉट ऑन इज एब्सोल्युटली राइट कि ये जो सामने सामने चीजें हैं तो बिल्कुल उसको जो लर्नड मॉनिटरिंग जज साहब है तो वो उसको फिजल आउट होने नहीं देंगे एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। और उनके साथ साथ मीडिया है, बाकी सिविल सोसाइटी है, सारे लोग हैं, लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत सी, तो वो उसको फिजल आउट नहीं होने देंगी। लेकिन देखिए जब भी कोई क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो बहुत सी चीजें उसमें पिनहा होती हैं, लेटेंट होती हैं, जो कि अपेरेंट नहीं होती, और वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है अगर वो ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करेगा तो खोद के चीज मजीद निकाल के सामने पेश कर देगा, और अगर उसकी कोई मैलिफाइड्स होगी इन्वेस्टिगेटर की
तो वो उस चीज को दबा देगा। तो अब ये जो जेआईटी ने एक भरपूर आप देखें एफर्ट की और हेड्स ऑफ टू देम और बहुत जबरदस्त और बहुत कम टाइम में उन्होंने क्या कुछ निकाल के सामने रख दिया, लेकिन मैं जैसे गुजारिश ये कर रहा था कि उसमें जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन जो है वो अगर कोई ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती नैब की तरफ से तो नीचे जो लेटेंट पिन्हा चीजें थी, सीक्रेट चीजें थी, जो अभी अपेरेंट बहुत सी चीजें हैं लेकिन बहुत सी चीजें अपेरेंट नहीं होंगी, तो उसको डिग आउट करने के लिए एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटर की जरूरत थी जिसमें विल हो। अच्छा, ये बात यहाँ खत्म तो होती नहीं है क्योंकि जो मॉनिटरिंग लर्निंग मॉनिटरिंग जज है ना, तो वो उनको बहुत से ऐसे फैक्ट्स जो कि लेटेंट है वो नहीं पता होंगे, वो कैसे उसको मंजर आम पर लाने का ऑर्डर करेंगे, क्योंकि वो तो इन्वेस्टिगेटर जब खोद के चीज निकाल के सामने लाएगा तभी वो बात पता लगेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो बड़ी आप समझिए कि फंडामेंटल है वो है प्रोसिक्यूशन की, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद और साथ साथ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल लॉ में कभी खत्म नहीं होती, वो होती चलती चली जाती जब तक कि फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता, तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर है उसको एक्चुअली इन्वेस्टिगेटर के साथ मिलके वो चीज पेश करनी होती है अदालत को, ट्रायल कोर्ट को। तो प्रोसिक्यूटर जो है वहां प्रोसिक्यूशन में इसको कौन प्रोसिक्यूट कर रहा है, किस तरह प्रोसिक्यूट कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, हो सकता है प्रोसिक्यूटर जो लॉयर्स हो वो बड़े ऑनेस्ट हो लेकिन उनको अगर पीछे से एट द बैक एंड नैब वाले जो है इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई उम्मीद बीज कर देंगे तो प्रोसिक्यूटर क्या कर लेगा। तो ये चीजें जो है मेरे जहन में खदशात ऐसे हैं, और इसकी वजह यही है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई और आदमी होता तो अरेस्ट कर दिया गया होता, तो इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, नहीं तो ये बेल बिफोर अरेस्ट कराए ना दूसरे लोगों की तरह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और जरा दोनों चीजों पे मैं नजर डालना चाहता हूँ, कानूनी एस्पेक्ट्स जो है वो जेआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में भी, और इन्वेस्टिगेशन नैब ने क्यों नहीं की, अगर नैब इन्वेस्टिगेशन करती तो सोने पे सुहागा हो सकता था, लेकिन बाकी गुफ्तगू भी करेंगे, बाकी टेक्निकल पॉइंट्स भी मैं रेज करूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी फवाद साहब, प्रोसिक्यूशन का इशू रेज किया है फरोख साहब ने, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है उन्होंने कि बेल बिफोर अरेस्ट क्यों नहीं कराई मियां साहब ने। इससे पता चलता है कि जनाब नैब जो है इस वक्त जो नैब का सेटअप है, जो ऊपर बैठे हुए लोग, वो मियां साहब को फेवर कर रहे हैं। नहीं, वो बात तो बिल्कुल उनकी बात सही है। देखिए, और फिर दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब अदालतों में हर तरह के पेश हुए हैं, और फिर उनका 6-6 साल से नाम ईसीएल के ऊपर है। तो क्या नवाज शरीफ साहब मुख्य वजीर आजम है कि उनको जो है, और आज भी जब वो वहां पे आए आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का एक पूरा काफिला उनके साथ आया, 5 मिनट की उनकी हाजिरी हुई और जज साहब ने कहा ठीक है आप लंदन चले गए वापस आ जाएगा। क्या ये सलूक बाकियों के साथ हो सकता है? मैं कहता हूँ आम लोगों के साथ तो आप छोड़ें, जो दोनों प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी ये सलूक नहीं हो रहा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। तो जाहिर है कि ये जो सवालात जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से बिल्कुल लिस्टमेट सवाल है और इनका जवाब तो अभी जो है वो नहीं मिल पा रहा हमें, लेकिन इसमें भी कुछ शक नहीं है कि नवाज शरीफ बहुत ताकतवर एक है, माफिया है, और बहुत उनका एक होल्ड है 20-25 सालों से, तो वो बराह रास्त पाकिस्तान के हुक्मरान है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सारी तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये फहमी है कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट भी होगा, प्रोसेस जो है वो जिस तरह से चल रहा है वो आगे भी बढ़ेगा, और ये भी मुझे है कि मुझे लगता है कि इनको यहाँ से ये सजाएं भी हो जाएंगी। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी फवाद चौधरी साहब, लेकिन जो टेक्निकलिटीज बयान कर रहे हैं फरोख नसीम साहब उसमें प्रोसिक्यूशन का भी जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो फ्लॉज है उनका भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जेआईटी से जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उससे आगे अगर इन्वेस्टिगेशन को लेके चला जाता नैब, उससे आगे उन रेफरेंसेज में इन्वेस्टिगेशन को लेके आगे चलती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन फिर भी आप कहते हैं, और उसमें फरोख साहब ये भी पॉइंट रेज कर रहे हैं जनाब, कि कोई और होता तो उसको बेल बिफोर अरेस्ट करानी पड़ती, बट इन दिस पर्टिकुलर केस बेल बिफोर अरेस्ट भी कोई नहीं है, जाने की इजाज़त भी दे दी जा रही है, आपको भी पता है, आप भी इस चीज़ को पॉइंट को रेज कर रहे हैं, सारी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। सो वाई सो ऑप्टिमिज्म
इतनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्यों है आपकी, मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि जो जीआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी कम्प्रिहेंसिव है और इस कदर ज्यादा मटेरियल है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल काम होगा। देखिए ना, जो पैसों का ये सारा मामला है, जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है, जो क्विंट कंपनीज है, उसके बाद जो आपकी एफडीटी कैपिटल है, इसके जो तमाम एसेट्स इस वक्त मौजूद है, उनकी मौजूदगी में सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो है वो आसानी से, मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा मटेरियल अवेलेबल है और ठीक ठाक मुश्किल होगी इनको स्किन केसेस से निकलते हो। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, लेकिन फरोख साहब अपने जो रिजर्वेशन है वो रखते हैं इस चीज पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जी, जो वॉल्यूम 10 में क्या है, जो मेरे मुझे पता है मैं उसको शेयर कर लेता हूँ ताकि उससे आगे कोई चीज़ आप लोगों के पास है या आपकी नॉलेज में है तो उसको ज़रा लेके आगे चला जाए। फवाद साहब एंड फरोक साहब, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वॉल्यूम 10 के अंदर एमएलए भेजे गए थे को तकरीबन को 20-22 कंट्रीज को, उसमें से 3 मुल्कों ने जवाब दिया है, उसमें से 18 मुल्कों ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि मियाँ साहब की वो इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, कितनी किस शेप में है, कितने वॉल्यूम क्या उसका। सो 3 मुल्कों ने जवाब दिया है कि मियाँ साहब की इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, किस शेप में है और कितनी है। बाकी जो 18 ममालिक हैं उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है, वो कह रहे हैं जी वी आर ये अंडर प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद हम बताएंगे कि जी मियाँ साहब की इन्वेस्टमेंट कितनी है। दिस इज ओनली लाइक 3-4% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। आप अंदाजा लगा लें कि बाकी जो 96% जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, 97% इन्वेस्टमेंट जो होंगी दुनिया में इस पाकिस्तान से बाहर, उसका वॉल्यूम कितना हो सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई चीज है फरोख साहब, हैव यू गॉन थ्रू दैट थिंग और हैज एनीवन टोल्ड यू कि क्या है क्या वॉल्यूम 10 में? क्योंकि मुझे तो मुस्लिम लीग नून वाले जब भी कोई मैसेज देते हैं या फोन करते हैं वो कहते हैं जी कि वॉल्यूम 10 में है ही कख नहीं। फरोख साहब जी, मैं राणा साहब दो बातें करता हूँ इससे मुताल्लिक। पहली बात तो ये है कि देखिए वॉल्यूम 10 में एक्चुअली क्या है वो तो मुझे इसलिए नहीं पता कि क्योंकि मैंने वॉल्यूम 10 में ही देखा। मीडिया में जो मीडिया के दोस्त हैं, आप जैसे लोग हैं माशाल्लाह जो बड़े ही जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो उनके थ्रू तो मीडिया में बात पता लगती रहती है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि न्यूज़ वाले कहते हैं कि अदरवाइज कख नहीं है, तो उनसे कहें कि यार फिर ऐसा करो, एक लेटर लिखो, एक एप्लीकेशन दो सुप्रीम कोर्ट में और उनसे ये कहो कि क्योंकि वॉल्यूम 10 में कुछ भी नहीं है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इसको सरेआम कर दिया जाए, पब्लिक कर दिया जाए। कुछ नहीं है तो फिर डरने की तो बात नहीं है। वो जैसे कादरी साहब मॉडल का अलग, हाँ जी फिर उसको खोल दें जी, खोल जैसे कादरी साहब की वो मॉडल टाउन की जस्टिस बाकर निश्चय की रिपोर्ट है, तो अगर उसमें भी कुछ नहीं है तो उसको भी खोलते हैं, आम कर दें, पब्लिक कर दें। तो वॉल्यूम 10 में भी कुछ नहीं है तो उसको भी आम कर दें, पब्लिक कर दें। तो ये तो राणा साहब वो कहते हैं ना कि द वेरी फैक्ट दैट दे आर अपोजिंग, इसका मतलब ये है कि दाल देवेज कुछ काला है। ये बात अच्छा चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब कैन यू हियर मी? फवाद चौधरी साहब को दोबारा ट्राई करें जी। अच्छा जी, वॉल्यूम 10 का हो गया। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। आगे ये फरोख नसीम साहब के यहाँ पे एक नई यहाँ पे मंतक छोड़ दी गई है और वो रूमर गई है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, ये दोनों वापस इसलिए आए हैं लंदन से कि एक तो दो रीज़न दे रहे हैं लोग, और ये दिस इज़ अ ड्राइंग रूम टॉक, और ड्राइंग रूम टॉक आपको पता है उस वक्त की टॉक है जिस वक्त एक बड़ा सा कोहिबन लगे के बैठे होते हैं और साथ कुछ और लवाजमात होते हैं उनको लेके बैठ के उस वक्त डिस्कशन की जाती। सो उस ड्राइंग रूम टॉक की जो गॉसिप है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें कितनी सदाकत हो सकती है मुझे आप इसमें बता दीजिएगा। कहा यह जा रहा है जनाब कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आज अगर पेश ना होते अदालत में तो उनको सीधा सीधा 3 साल की सज़ा हो सकती थी। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2,
एक और चीज कही जा रही है जनाब कि ये मियां नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब वापस इसलिए आए हैं कि जनाब इनकी कोई डील हो गई है। जी फरूख साहब, देखिए सबसे पहले साहब आपकी जो प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन था, जी जी, मैं आपको ये बताऊं कि आप कोई बंद पे खुश हो रहे हैं या लवाजमात? मैं ये कह रहा हूँ कि वो डार साहब या नवाज शरीफ साहब वो लवाजमात वाले लोग नहीं है, मतलब लेट्स बी फेयर। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो लोग बैठ के ये चीजों पे तबसरे कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा चल जी, चल मैं आई स्टैंड करेक्टेड, लेकिन लेकिन जो जिसकी बात है मैं सच है, मतलब उनके बारे में मुझे नहीं ये इंफॉर्मेशन है कि वो उन चीजों में मुलव्वस नहीं है, तो लेकिन उनके बारे में समझे नहीं आप शायद। मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो डिस्कशंस हो रही हैं इस्लामाबाद में, कराची में, वो ये हैं कि जनाब एक लगा के कोहिबन और लवाजमात रख के वहां पे डिस्कशंस ये हो रही है और ये इस चीजें उठ रही है, उस पर कितनी सदाकत है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डील हुई है या नहीं हुई है, क्या मियां साहब को 3 साल की सजा हो सकती थी या नहीं? जी मैंने कहा ना राजा साहब, आई स्टैंड करेक्टेड, जी जी, पहली बात तो ये है कि 3 साल की सजा तो नहीं हो सकती थी सिर्फ उस पर कि वो एक दिन पेश नहीं होते, नंबर वन। अच्छा, सेकेंडली जो डील वाली बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भी कोई सदाकत है, बल्कि मैं आपको एक थीसिस पेश करता हूँ, प्लीज एनालिसिस पेश करता हूँ, गलत हो सकती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद मियां साहब ये समझते हैं कि क्योंकि उनका ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस है पाकिस्तान में, किसी भी किस्म की समझिए कि पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ लेने के लिए, तो मियां साहब ने देखिए क्या बात की, मियां साहब ने आज ये बात की आज कि जी 70 साल से जो प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल रहे हैं मैं उनके खिलाफ जंग लड़ूंगा, और या इस तरह की बात की कि उन प्राइम मिनिस्टर्स का जंग या मुकदमा मैं लड़ूंगा, इस तरह की कोई बात। जी जी जी। अच्छा, उन प्राइम मिनिस्टर्स को कौन निकाल रहा है? या तो अदालतों ने कोई ऑर्डर दिए हैं या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इनका कोई इशारा है, अगर मिलिट्री टेक ओवर्स की बात है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई बात इनकी है। हाँ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो ये मुल्क से बाहर गए हैं वहां पे, तो शुरू में तो ये इत्तलात थी कि शायद ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन और इत्तलात मेरी इत्तलात यही थी जो मीडिया पे थी, कोई और इत्तलात नहीं थी, लेकिन लगता ये है कि वहां पे पता नहीं किसी ने इनको बहुत ताकत दिलाई हो, भरोसा दिलाया हो, या कुछ फॉरेन पावर्स ऐसी हो सकती हैं, उन्होंने कहा हो कि नहीं जाओ जाके मुंह दो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये आए हैं और शायद ये सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारा ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब के लोग शायद हमारे साथ होंगे, तो हम पंजाब के लोगों को एस्टेब्लिशमेंट और अदालत के खिलाफ भड़का देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे अपने पंजाबी भाइयों पे बड़ा भरोसा है, वो सच को सच कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं तो उनका शरीफ साहब का बड़ा मोतरफ हुआ करता था किसी जमाने में, तो मैं ये कहता था कि भाई चलो इज द लीस्ट इवल, या और तो अगर इनके ये एसेट्स हैं तो इन्होंने अपने बिजनेस से कमाए होंगे, बाकी जो जरदारी साहब हैं उनके इतने एसेट्स हैं तो उसका तो बेनजीर साहिबा का कोई एसेट्स का ना सर है ना पैर है, बल्कि वो जो मशहूर ब्रिटिश ऑथर था डैरिम्पल, वो डैरिम्पल ने लिखा बेनजीर साहिबा के लिए और जरदारी साहब के लिए, उनकी प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उनका, क्योंकि वहाँ वेस्ट में ये बात होती है कि वो हार्वर्ड रैटक्लिफ से बीबी ने पढ़ा, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, लेकिन फिर वो इतना करप्शन, इतने वो इल्जाम जो हैं वो अभी तक धुले तो नहीं है ना, कि स्विस जो महलात थे वो कहाँ से बने हैं, स्विस महलात ने सारे पेपर उठा के जला दिए, तो हम तो यही कहते थे कि मियां साहब के पास तो चलो इत्तेफाक फाउंड्री है, बिजनेसमैन है, यहाँ से पैसे कमाए, लेकिन अब जो सामने पनामा में इनके एसेट्स आए हैं, मेफेयर के फ्लैट्स और क्या कुछ,
तो और पता नहीं क्या क्या इनका जो मनी मनी की जो मूवमेंट है वो मैंने आपसे शेयर किया ना फरोग नसीम साहब के वो जो एमएलए भेजे गए हैं 21-22 मुमालिक में उसमें से सिर्फ 3 मुल्कों ने उस पर बताया कि जी इनके क्या क्या बिजनेसेस हैं और बाकी 18 ने अभी नहीं बताया, लेकिन ये सिर्फ 3-4% है। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन के बाकी परसेंटेज बताएं तो किधर फिगर चला जाएगा। मैं गुजारिश करूँ नाना साहब कि जो हमारी पंजाब की जो गयूर आवाम है जी वो इंशाल्लाह ये चीज देखेगी कि ये करप्शन है या मेगा करप्शन है या ये ऑनेस्ट है, ये सादे से या अमीन है। वॉल्यूम 10 की बात होती है जी कि वॉल्यूम 10 में नून लीग वाले, कुछ नून लीग वाले लोग कहते हैं जनाब के वॉल्यूम 10 में कुछ नहीं है, तो वॉल्यूम 10 में अगर कुछ नहीं है तो फिर एक दरख्वास्त दे दे जनाब सुप्रीम कोर्ट में, अगर वॉल्यूम 10 को भी ओपन कर दिया जाए, यहाँ पे इतनी चीजें ओपन हो रही हैं, रिपोर्टें ओपन हो रही हैं, तो ये भी ओपन कर दे, फिर इतने डर और खौफ की क्या बात है। एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हाजिर होता हूँ। रियलिटी पे बात करें, रियलिटी चेक अगर दिया जाए तो वो ये है कि अगर एक फैमिली है जो पिछले को तकरीबन 30 साल प्लस माइनस से हुक्मरान है, उन्होंने फेवर्स भी की हैं लोगों को, उन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी भी की है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनको जानती है, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी फेवर्स की हैं, ब्रोक्रेसी में फेवर्स की हैं, सो देयर आर लाइक सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको वो फेवर्स एक्सटेंड करते रहे हैं। सो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि जनाब वो एक रेफरेंसेस आए हों JIT से, उनमें JIT के विटनेसेस जो हैं वही 5 लोग होंगे विटनेसेस, और वही आगे चलें लेके सारी चीज़ को, और नैब उनको फेवर जैसे कर रही है अपरेंटली, और बाद में ना करे और रेफरेंसेस वीक बने और वीक बन के आगे पेश हो, बेशक उसके सुपरविजन होती रहे जस्टिस साहब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन देन अगेन बाई द एंड ऑफ द डे फवाद चौधरी साहब तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है जी सजा हो जाएगी, लेकिन डोंट यू थिंक कि हमारा जो सारा लीगल सिस्टम है उसमें फ्लॉज भी हैं, और उस फ्लॉज का मतलब वैसे तो वकील कहते हैं जनाब, वकील सारा फ़ायदा उन्हीं का उठाते हैं जो फ्लॉज होते हैं कवानीन में, हमारे जो कवानीन में फ्लॉज है उसका फ़ायदा वही उठाते हैं और अपने क्लाइंट को फ़ायदा उठा के देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ये सारा कुछ में से कुछ निकलेगा रेफरेंसेस में से या नहीं निकलेगा, या मियां साहब को सजा होगी या नहीं होगी जी? अच्छा, अब राणा साहब आपने माशाल्लाह बहुत सी, क्योंकि आप माशाल्लाह यू आर सच ए कैपेबल ह्यूमन बीइंग, आपने बहुत सी चीजों को कूजे में बंद कर दिया, और आपने देखें 3-4 बातें की। पहली बात तो आपने ये की कि जी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को फेवर किए होंगे तो वो शायद इनको पे बैक करेंगे फेवर से। मैं आपको जो मेरी टेक है कि इस वक्त जो माशाल्लाह हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग हैं जो हेम ऑफ द फेयर में हैं और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन वो तो ऐसे लोग हैं कि ना तो वो उन्होंने फेवर लिया होगा, ना वो समझे कि किसी को कोई नाजायज चीज देंगे ना करेंगे। हाँ, जायज चीज जरूर देंगे, किसी के साथ नाइंसाफी होगी, कोई किसी के साथ कोई गलत चीज हो रही होगी तो ये लोग ऐसे हैं कि खड़े हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आध जगह पहले मियां साहब ने या इनके किसी लोगों ने, मियां साहब ने नहीं या किसी ने इस तरह की बात की थी कि भाई हमने तो देखो ये जनरल बाजवा को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया। अरे भाई वो अपनी मेरिट पे बनाया है, आपको आइडिया नहीं है कि उस एक सिंगल आदमी का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये जितनी भी जंगें हुई है, जरबियादा है या दूसरी वाली सारी है, ये सारा मैं आपको बताऊं इसका क्रेडिट पूरे एस्टेब्लिशमेंट को जरूर जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो प्रोफेशनलिज्म है जनरल बाजवा की, मैं आपको बताऊं कि वो इस वक्त हम लोग जो सुकून से बैठे हैं, हर जगह टेररिज्म को मात देना ये सारी जो चीजें हुई है, तो एक इसका साइजेबल कॉन्ट्रीब्यूशन जनरल बाजवा का है। एक्चुअली इज अ नेशनल हीरो, मतलब अगर आपको उसके बाद अब आप आगे हैं जनरल नवीद की बात करते हैं, जनरल दलाल की बात करते हैं, एक्चुअली ये दोनों कराची के हीरोज हैं। जिस तरह इन्होंने कराची में जो ऑपरेशन किया तो इन्होंने 92 की तरह नहीं किया, 92 का ऑपरेशन तो MQM के खिलाफ था, ये ऑपरेशन उन्होंने क्रिमिनल्स के खिलाफ किया है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनाब
जो एक्सटेंड की गई, जो फेवर्स की गई थी एक्सटेंड, वो ये फेवर्स एक्सटेंड की गई थी इस फैमिली की तरफ से, वो फैमिलीज की तरफ से ये एक्सटेंशन एक्सटेंड की गई थी फेवर्स, कि अगर किसी का बेटा है उसको जनाब इस्टेब्लिशमेंट उसमें रख दिया, किसी को पुलिस में रख दिया, किसी को रेवेन्यू में रख दिया, किसी को MNA बना दिया, किसी को MPA बना दिया रिजर्व सीट पे, और इस तरह करते 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 वो लोग आज बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, वो बड़ी बड़ी फैमिलीज को फेवर्स एक्सटेंड कर दी। सो जिनसे काम फंसा हुआ उनको फेवर्स एक्सटेंड की, ऐसे किसी को नहीं फेवर्स एक्सटेंड की, ये भी जरा करेक्ट, आई शुड स्टैंड करेक्टेड। सो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 साल से श्री बरादरान ने उन लोगों को फेवर्स एक्सटेंड की जिनसे उनका काम फंसता था या उनको काम करके देना जरूरी था, अदरवाइज हर एक को काम नहीं करके देते वो। खैर तो वो फिर लोग आज किसी ना किसी जगह में है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में है, चाहे वो किसी जगह पे, वो फेवर्स एक्सटेंड की हुई जो है आज काम आएंगी उनके। नहीं वो काम आएंगी, लेकिन आप देखिए ना कि अब अदालतें हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अब आपने देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज रिजन टू द ओकेजन, उन्होंने अपने जो ओथ ऑफ ऑफिस था जजेस का उन्होंने पूरा किया, उसको आए तकमील तक पहुंचाया, और न सिर्फ ये बल्कि न फेवर किया न डिस फेवर किया। मतलब लोग तो बाहर ऐसे थे जो ये कहते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ को कन्विक्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट थोड़ी कर सकती है, ट्रायल कोर्ट थोड़ी है, तो उन्होंने कन्विक्ट नहीं किया, उन्होंने वो रेफरेंसेस भेजे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, लेकिन डिस्क्वालीफाई कर सकती थी और डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने। फिर साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में देखें, मैंने GIT की एग्जाम्पल दी, मैं मजीद एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे लोग हैं जो इनको फेवर करेंगे, वो रिटर्न करेंगे अपने फेवर, लेकिन इंशाल्लाह अजीज जो पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान की जो अवाम है, और साथ साथ ऐसे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस फेवर वगैरह से बियॉन्ड हैं, तो वो दैट इज द रीजन कि इनको टफ टाइम मिला, वरना तो ये हाथ में आने वाले नहीं थे। तो देखो जो टू कट शॉर्ट, मैं जो बात कर रहा था वो ये अब अटेम्प्ट कर रहे हैं कि किसी तरह पंजाब के जो लोग हैं उनको अदलिया से और एस्टेब्लिशमेंट से भिड़ाया जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल्कुल इनकी जो स्कीम है ठीक है वो नाकाम होगी। पंजाब के लोग जो हैं वो सही फैसला करेंगे। गॉट योर पॉइंट जी। फरूख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फवाद चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन एक चीज़ जो सामने रखी गई वो ये थी, जो इसको फ़रोग नसीम साहब की जो गुफ्तगु है उसमें से 5 लाइन में लूँगा, और वो ये है जनाब, फरोग साहब कहते हैं जनाब के किसी न किसी ने ज़रूर थपकी दी है बाहर बैठे हुए इन लोगों को, शरीफ बरादरान को, कि आप लोग जाएँ और फेस करें कोर्ट्स को, बाकी देखा जाएगा। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।